हो गया, पहले पूरा सीन ले लो। अरे पानी फालतू यात्रा यहाँ खड़े हो गई। ये मोहगनी के बारे में आप बताइए, तुम ही जानते हो, तुम क्या बताएं। ये पेड़ किस चीज का है, तुम्हें क्या मालूम? वही तो पूछो, इंटरव्यू कैसे लिया था? ये पेड़ किस चीज़ का है? ये सर पेड़ है, इसका नाम है महोगनी जी। ठीक है जी, महोगनी जैसे कि नाम से ही मालूम है जी कि इसके अंदर इतने गुण हैं जिसकी व्याख्या करना मुश्किल है जी। और अपने वेदों में भी इसकी चर्चा महागुनी के नाम से है जी। और बेसिकली ये पेड़ साउथ अफ्रीका का है आज की डेट में, लेकिन कभी हमारा भारत इतना छोटा नहीं था, इतना बड़ा था कि हर जगह हमारी धरती भारत का ही राज आर्यावर्त जिसको बोला जाता था जी। ठीक है, और इस पेड़ की विशेषता ये है कि इसको 12 साल में, 10 साल मान के चलिए कि 12 साल में तैयार हो जाता है कटने के लिए जी। और इसका कीमत जो है आज की डेट में मार्केट में 3500 रुपये घन फीट है जी। यानी इस हिसाब से ये पेड़ 80 फीट लंबा होता है जी, कहीं कहीं 100 फीट लंबा होता है जी। अब विदेशों में 200 फीट लंबाई होती है इसकी जी। और 200 फीट लंबा हो जाएगा, 5 फीट अगर मोटा हो जाएगा जी, तो पेड़ 2 से 3 लाख रुपये में बिकता है। चूँकि यह एक इम्पोर्टेड और इमारती लकड़ी है जी, जो बहुत हल्की और सैकड़ों साल तक न घुलती न सड़ती है जी। और इसका आयुर्वेदिक गुण भी बहुत ज़्यादा है। क्या क्या जी? आयुर्वेदिक गुण में इसका जड़ से लेकर पत्ती तक हर अंग इसका जो है औषधीय गुणों से परिपूर्ण है जी। आप इसका जड़ जो है हाई फाई एंटीबायोटिक बनाने के काम में आता है जी। इसकी छाल से मच्छर भगाने के लिए मॉर्टिन बनता है जी। इसका पत्ती खाने से हार्ट की बीमारी नहीं होती है जी। और इसका बीज जो है शुगर के लिए रामबाण दवा है जी। इस हिसाब से देखा जाए तो पेड़ का हर अंग जो है औषधीय गुणों से परिपूर्ण है जी। ठीक है, और यह पेड़ किसानों के लिए बहुत लाभदायक है जी। अगर 1 एकड़ में अगर इस पेड़ को लगा दिया जाए जी, जिसकी जैसी क्षमता हो, 500 पेड़ चाहे 1000 पेड़ लगा दे जी, 10 फीट की दूरी पर लगता है जी, 1000 पेड़ उसको कम से कम 5 करोड़ रुपया देगा राइट 12 साल में जी। तो 12 साल में अगर हम 5 करोड़ रुपया पा जाते हैं तो कौन सी खेती हमको देगा? तो क्यों ना हम महोगनी लगाएं। और महोगनी लगाने के साथ साथ हम उसमें खेती भी कर सकते हैं जी। इससे फ़ायदा ये होगा कि इसकी जड़ें जब फैलती हैं खेत में तो खेत को उपजाऊ बनाती हैं जी। अगर मिट्टी कमज़ोर है तो उसको भरपूर जो है उपजाऊ बना देती है जी। इसकी पत्तियां जब खेत में गिरती हैं जी, तो उसमें ऑर्गेनिक खाद पैदा होती है जी। और ऑर्गेनिक खाद होने से जी
फसल हमारी ऑर्गेनिक होगी जी, तो जो गेहूं हम 15 रुपये किलो बेचते हैं मार्केट में बनिया को जी, वही गेहूं हम 200-250-300 रुपये किलो बेचेंगे, तो किसान को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? नहीं फायदा हुआ। तो यह पेड़ जो है सबसे ज़्यादा लाभदायक है किसानों की समृद्धि के लिए है, तो मैं किसान भाइयों से अपील करूँगा कि इसको लगाएँ और समृद्धि कमाएँ। यस, धन्यवाद, धन्यवाद, जय भारत।